मकराना शहर के रामधन रांदड़ भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर राजपूत समाज की एक बैठक राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए बाजोर ने कहा कि राजपूत समाज के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज जनसंघ के समय से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने पिछली मनमोहन सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मनमोहन सरकार के समय प्रत्येक दिन भ्रष्टाचार हुआ और जनता के पैसे का जमकर दुरुपयोग किया, लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है तब से एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और जनता के पैसे का पूरा सदुपयोग हुआ है। आज पूरे विश्व में मोदी ही मोदी है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ जिससे अब यूक्रेन 10 सालों तक अपनी स्थिति नहीं सुधार सकता। यदि देश का कप्तान ही सही नहीं होता तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के एक मजबूत कप्तान हैं, जिन्होंने देश को आंतरिक व बाहरी परिस्थितियों में काफी मजबूत किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि निश्चित ही 400 पार का लक्ष्य भाजपा पार करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं वह होता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राजस्थान में भी बीजेपी 25 की 25 सीटों पर कमल खिलाएगी। इस अवसर पर डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा, पलाड़ा से विजय सिंह, रणजीत सिंह चौहान, बजरंग सिंह रामथलिया, किशोर सिंह लोरवाली आदि ने भी बैठक को संबोधित किया और समाज की एकता पर बल दिया। वहीं आयोजनकर्ता व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नारायण सिंह मिडकिया ने मंच संचालन किया और समाज की हो रही अपेक्षाओं को सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को अवगत करवाया। इस अवसर पर विक्रम सिंह जसूरी, प्रताप सिंह, विक्रम सिंह, महेंद्र विक्रम सिंह सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 की 25 सीट आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी जो काम जिस प्रकार से करते हैं और हम लोग समाज के हैं, राजपूत समाज में पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे समाज में तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन अन्य समाजों को भी सबको साथ लेकर चलना और सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आप बोलते हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में काम किया है उसको देखते हुए आज विश्व में यदि हालात यही रहे दोबारा तीसरी बार जीतेंगे तो विश्व का नेतृत्व भी कोई दूर नहीं है, मोदी जी को करने का मौका मिलेगा, ये मेरी प्रार्थना।